हेलो गोरीला आर्मी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे सो so, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाली वीडियोस बनाना सिखाने लगा हूँ और जिन लोगों को जिमिन आए और गूगल वी थ्री का मसला आ रहा था उनको वी थ्री की वीडियो नहीं क्रिएट करना आ रही थी तो वो सारा तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा आज की वीडियो में सो so, आप लोगों ने वीडियो डिटेल से देखनी है क्योंकि आप लोग हमेशा मिस करते हैं और अभी तक बहुत सारे लोगों को वी थ्री का प्रॉब्लम आ रहा है सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ किन वीडियोज़ के बारे में मैं बात करूँ सो आप लोगों ने इस तरह की वीडियोस इस टाइम पे टिकटॉक पे हर अकाउंट को ही डालते हुए देखा होगा और ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं वीडियोस ठीक है ये बहुत अच्छी वीडियोस हैं ये लॉन्ग टर्म चलने वाली हैं ऐसा नहीं है कि ये अभी वायरल हुई हैं तो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी ये लॉन्ग टर्म वाली नीचे उसकी रीजन ये है कि ये ए एस एम आर वीडियोज है लोग ये सोते हुए या जिस टाइम वो रिलैक्स करना चाहते हैं उस टाइम ये वीडियोज देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छी वीडियोज हैं अभी टाइम है अभी आप लोग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को इस तरह की वीडियोज पे बहुत व्यूज आती हैं क्योंकि लोग इन वीडियोज को बहुत शौक से देखते हैं हैं जो लोग बाद में शुरू करेंगे उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा मिलेगा लेकिन वो भी अपने चैनल्स ग्रो कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि बाद में ये जो नीश है ये डेड हो जाएगी या इसके वीडियोस जो है वो उन पे व्यूज नहीं आएंगे ठीक है तो आपने इस तरह की वीडियोस देखी होंगी बहुत ज्यादा टिकटॉक पे वायरल चल रही हैं ये वीडियोस आप बनाकर टिकटॉक पे भी डाल सकते हैं आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं और यूट्यूब पे भी इसके बहुत अच्छे व्यूज आएंगे और मैं आपको बता रहा हूं कि यूट्यूब के ऊपर अभी तक इसके ज्यादा चैनल्स नहीं बने तो आज की वीडियो में मैं कम्पलीट आपको गाइड करूंगा कि आपने किस टूल से बनानी है और किस तरह बनानी है टूल इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो है गूगल वियो थ्री लेकिन गूगल वीओ थ्री को इस्तेमाल कैसे करना है मैं वो आप लोगों को पहले गाइड कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी ठीक है ओके सो सबसे पहले आप लोगों ने क्या

गूगल के ऊपर ये देखें ये पे मेरा गूगल अकाउंट लॉगिन है तो जो ईमेल आपने गूगल के ऊपर लॉगिन की हुई है जिसके ऊपर आपने जिम्मेदार का अकाउंट बनाया है स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ली है आपने वही लॉगिन रखनी है लेकिन आपने एक न्यू टैब ओपन करना है ठीक है सेम प्रोसीजर है मोबाइल फोन वालों के लिए और सेम प्रोसीजर है जो लैपटॉप पे यूज करेंगे उनके लिए ठीक है न्यू टैब पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है गूगल फ्लो ठीक है गूगल फ्लो सर्च करेंगे फ्लो सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगी गूगल लैब्स ये फ्लो लिखा हुआ होगा आपने इसको क्लिक करने जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जिस ईमेल के ऊपर आपने अपना जिमेन आई बनाया है उसी ईमेल से आपने यहाँ पे लॉग इन कर लेना है जब आप लॉग इन कर लेंगे उसके बाद आपने सिंपली क्रिएट विद फ्लो पे क्लिक क्लिक करना है जब आप क्रिएट विथ फ्लो पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो जो अकाउंट जिमेन आई वाला था वो यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा और आपकी यहाँ पे एक महीने के लिए आपको एक हजार क्रेडिट्स मिल गए होंगे जो कि बिल्कुल फ्री होंगे ठीक है आपको पहले महीने कोई चार्ज नहीं किया जाएगा यहाँ पे आपको आ, आपका अकाउंट खोल खोलिएगा और फिर आपने यहाँ से वीडियो क्रिएट करनी है ठीक है और यहाँ से भी वीडियो क्रिएट करने करते हुए आपने वीओ थ्री को सिलेक्ट करना है वो मैं अभी आपको जब वीडियो आगे जनरेट करना सिखाऊंगा तो तब बताऊंगा कि आपने वीओ थ्री को कैसे सिलेक्ट करना है लेकिन ये प्रोसीजर है उनके लिए जि, जिन्होंने जिम एन प्रो के ऊपर अपनी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ली है ठीक है सो अब जिन लोगों ने अभी तक जिम एन प्रो के ऊपर लॉग नहीं ली स्टूडेंट वाली और उन्होंने अभी तक नहीं बनाया स्टूडेंट ऑफर का या उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने वियो थ्री यूज करने के लिए सिंपल क्या करना है

अब अभी तक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपके अकाउंट में यहाँ पे जीरो क्रेडिट शो हो रहे होंगे आपको ठीक है जैसे मुझे यहाँ पे जीरो क्रेडिट शो हो रहे हैं आपको यहाँ पे अपग्रेड लिखा हुआ नजर आएगा आपने सिंपली अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप अपग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज जा आ जाएगा ठीक है आप मैं नीचे करके दिखाऊं तो इधर देखें लिखा हुआ है पीके आर जीरो पर मंथ फॉर फर्स्ट मंथ ठीक है यानी कि अगर आप पहले महीने इसको लेते हैं तो आपसे एक रुपया भी नहीं चार्ज किया जाएगा या बिल्कुल आपको फ्री लॉग सब्सक्रिप्शन मिलेगी और आपको एक हजार इसमें मंथली क्रेडिट मिलेंगे और आप जब चाहें आप उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकते हैं अगर आप नहीं आगे उसको लेना चाहते तो आप उसको सिंपली कैंसिल कर सकते हैं आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे ठीक है तो जब आप इस पेज पे आ जाएंगे आपने सिंपल गेट गूगल ए प्रो पे क्लिक करना है आपके सामने ये पेज आएगा आपने अग्री पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करेंगे तो सिंपल आपके सामने ये एड क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन देगा आपको इसके लिए एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मस्ट चाहिए होगा ठीक है तो आपने सिंपल इसके अंदर अपना कोई ना कोई कार्ड एंटर करना है उसकी डिटेल डालनी है और सिंपल आपका गूगल फ्लो का अकाउंट बन जाएगा और यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब भी चाहें आप इसको कैंसिल कर सकते हैं सत्रह जुलाई से पहले पहले यानी सत्रह जुलाई तक आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी उसके बाद आपके पैसे कटेंगे अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा लेकिन वो मैं आपको कम्युनिटी के अंदर बताऊंगा तो जिन लोगों ने कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की हुई अभी तक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चैट का लिंक मिल जाएगा आपने सिंपली उस चैट के ऊपर क्लिक करना है आपको मैसेज आप व्हाट्सएप के ऊपर आपकी चैट ओपन हो जाएगी आपने वहां पर मैसेज करना है कम्युनिटी लिंक आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे

गूगल फ्लो को ओपन करेंगे जिस तरह मैंने बताया है आपने न्यू टैब ओपन करना है वहां पे सर्च करना है गूगल फ्लो जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपके सामने ये इंटरफेस होगा आपने सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा अब ये जो वीडियो है ये वीडियो बनाने के लिए जो प्रॉम्प्ट यूज होना है ना वो मैंने एक जनरल प्रॉम्प्ट बना दिया ठीक है वो आप लोगों को मिल जाएगा कहाँ पे मिलेगा वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ सारा लेकिन पहले आप वीडियो बनाने का तरीका देख लें वरना आप लोगों ने जाना है सीधा प्रॉम्प्ट उठाना है और जाके खुद कोशिश करना शुरू कर देनी है और आपकी वीडियो नहीं बनेगी ठीक है तो मैं आप लोगों को एक जनरल प्रॉम्प्ट दूंगा आप उस जनरल प्रॉम्प के अंदर सिंपल चेंजिंग करके कुछ भी बनवा सकते हैं और उसके अलावा भी मैं आपको काफी सारे प्रॉम्प्स दूंगा जो ऑलरेडी बने हुए होंगे वो हर चीज के मुताबिक होंगे तो आप सारे प्रॉम्प्ट को यूज करके अपनी वीडियोज को जनरेट कर सकते हैं आपने जस्ट सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और आपकी वीडियो बन जाएगी अब तरीका ये है कि आपने प्रॉम्प जो है यहाँ पे कॉपी करना है कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना है अब ये जो प्रॉम्प्ट है ना ये एक जनरल प्रॉम्प्ट बना हुआ है ठीक है तो इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ चीजों के नेम चेंज करते जाने हैं और आपकी वीडियो बनती जाएगी अब ये जो प्रॉम्प्ट है इसके अंदर कहाँ पे चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं अब यहाँ पे देखें इधर मैंने लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ग्लास कल्पचर ऑफ पिंक स्ट्रॉबेरी ठीक है ऑन अ वुडन कटिंग बोर्ड तो ये जो पिंक स्ट्रॉबेरी लिखा हुआ है ना जो भी आपकी प्रोडक्ट है आपने सिर्फ उसका नाम चेंज करना है तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ येलो बनाना ठीक है ये मैंने लिख दिया उसके अलावा आपने पूरे प्रॉम्प्ट के अंदर कहीं पे भी कोई चेंजिंग नहीं करनी आपने सिर्फ इस जगह के ऊपर प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं ने। आपने चेंजिंग करनी है सिर्फ प्रोडक्ट जो भी आप चाहते हैं जो भी फ्रूट चाहते हैं जो भी वेजिटेबल चाहते हैं जो भी प्रोडक्ट आप इधर चाहते हैं जो भी ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं वो आपने सिंपल इधर लिख देना है अब ये लिखने के बाद सिंपल इसको जनरेट नहीं कर देना फिर वीडियो सही बनेगी नहीं तो आप कहेंगे कि वीडियो नहीं सही बनी जब ये आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर देंगे पेस्ट तो यहाँ पे आपको ये तीन डॉट्स नजर आएंगे इस सेटिंग्स के आपने इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद ये मॉडल देख रहे हैं ये वियो टू है आपने इसको क्लिक करके मेक श्योर करना है कि आपका वियो थ्री सेलेक्ट हो ठीक है ये लिखा हुआ है व्यव थ्री टेक्स टू वीडियो आपने वीओ थ्री को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको जनरेट होने के लिए कह देना है दो से तीन मिनट आपके लगेंगे आपकी वीडियो जनरेट हो जाएगी अब जैसे ही ये जनरेट हो जाती है तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो ओके okay, सो so यहाँ पे अब मेरी जो वीडियो है वो जनरेट हो चुकी है ठीक है मैं अब आप इसको आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ आप देख लें ये बनी किस तरह फिर मैं आपको आगे थोड़ा सा इसके बारे में मजीद बताता हूँ ठीक हो गया देखा ये आपने कितनी अच्छी उसने बनाई है साउंड्स भी खुद ऐड किए हैं उसको इतना उसने सेटिस्फाइंग बनाया है कि बड़ी अच्छी वीडियो बनी है ठीक है इसी तरह अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपने क्या करना है जब आपने कोई और चीज़ बनानी है ना जैसे हमने इस बार बनाना बनाया अब हम चाहते हैं कि हम कोई और चीज़ बनाएं तो आपने सिंपली वही ये जो प्रॉम्प्ट आपने दिया है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ ठीक है कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट किया पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना गिलास कल्पचर ऑफ येलो बनाना अब इसको हम कर देते हैं हम इसको रेड एप्पल कर देते हैं ठीक है ये रेड एप्पल कर दिया मैंने या इसको हम कुछ और कर लेते हैं हम इसको ग्रीन वाटरमेलन कर लेते हैं ठीक है इसको हम कर लेते हैं ग्रीन वाटर मेलन अच्छा आप लोगों ने जो भी चीज बनानी है ना उसका कलर लाजमी लिखने है साथ अगर बनाना बनाना है बनाना होता तो येलो ही ये। है लेकिन आपने यहाँ पे लिखना भी है कि वो उसका कलर क्या है क्योंकि ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है ग्लास कल्पचर अगर आप कलर नहीं लिखेंगे तो वो आपको वाइट ट्रांसपेरेंट कलर में बना के देगा ठीक है तो आपने ये यहाँ पे कलर मेंशन लाजमी करना है अब मैंने ये कर दिया ठीक है आप देखें यहाँ पे फिर वीओ टू सेलेक्ट हुआ है तो मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करके वापस इसको व्यो थ्री पे लेकर आऊंगा व्यवो थ्री पे लेकर आ गई हूँ व्यो थ्री पे लाने के बाद मैं इसको सिंपल जनरेट होने का कह दूंगा ठीक है अब ये जनरेट हो रहा है जैसे ही कंप्लीट होता है फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ओके जी यहाँ पे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो भी रेडी होगी अब मैं ये आपको प्ले करके दिखाता हूँ ठीक है ये हमारी सेकेंड वीडियो भी होगी आपने यही प्रॉम्प्ट यूज करते जाना है और सिर्फ यहाँ पे अपनी जो आप जो भी फ्रूट या वेजिटेबल या जो भी ऑब्जेक्ट चाहते हैं आपने उसका नेम चेंज करते जाने इसी सेम प्रॉम्प्ट को यूज़ करके मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और इसके अलावा भी कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ अच्छा ये यहाँ पे इसी सेम प्रॉम्प्ट को यूज करके ठीक है आप लोग देख सकते हैं ये सारा प्रॉम्प्ट है जो ये वही प्रॉम्प्ट है जो मैंने अभी आपको जिस प्रॉम्प्ट को यूज करके बना के दिखाया है ये वीडियो मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ ठीक हो गया फिर ये यहाँ पे हमारे पास ये नीचे एक और वीडियो है ये भी दिखाता हूँ ठीक है आपको समझ आ गई है आपने सिंपली ये प्रॉम्प्ट लेना है उसमें सिर्फ प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है और आपकी वीडियोस बनती जाएंगी ठीक है अब ये प्रॉम्प्ट्स जो है ये देखें ये इस तरह प्रॉम्प्ट्स की एक फाइल है ये बनी हुई है ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ मिलेगी अब ये देखें इस फाइल के अंदर एक प्रॉम्प्ट है ये जनरल प्रॉम्प्ट ये वो प्रॉम्प्ट है जो मैंने अभी आपको यूज करके दिखाया है आपने सिंपली इस प्रॉम्प्ट के अंदर ये यहाँ पे ब्रैकेट्स डली हुई है ना ब्रैकेट्स में आपने हर दफा अपनी चीज़ को चेंज करते जाना है और अपनी वीडियो को जनरेट करवा लेने है इसके बाद अगर आप इस फाइल को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे और प्रॉम्प्ट्स बने हुए मिलेंगे ठीक है ये बने बनाए प्रॉम्प्ट्स हैं इनको आप यूज़ करके डायरेक्ट अपनी वीडियो बना सकते हैं सो so, अभी मैं आप लोगों को इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके भी एक वीडियो बनाना सिखाता हूँ ठीक है जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी प्रॉम्प्ट उठा लेता हूँ ये वाला प्रॉम्प्ट मैं उठा लेता हूँ यहाँ से ठीक है ये यह मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है ठीक है कॉपी करने के बाद मैं गया अपने फ्लो पे फ्लो पे जाने के बाद सिंपल यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और मैं यहाँ से मेक श्योर करूंगा कि मेरा जो मॉडल है वो व्यवो थ्री सेलेक्ट रही ठीक है ये यहाँ पे मेरा मॉडल व्यो थ्री है सो इसको मैं सिंपली जनरेट होने के लिए कह दूंगा ओके सो इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके भी मैंने एक वीडियो बनाई है ये मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ ठीक है इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके इस तरह की वीडियो बनी है मेरे ख्याल से जो ये वाली जो प्रॉम्प्ट जनरल प्रॉम्प्ट है अगर उसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी वीडियो ज़्यादा अच्छी बनेगी ठीक है लेकिन आपको सारे प्रॉम्स जो हैं वो मिल जाएंगे आप जो भी यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो ये प्रॉम्स की जो फाइल है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव के ऊपर इसकी फाइल पड़ी भी होगी आपने वहां से सिंपली फाइल को एक्सेस करके अपने पास डाउनलोड कर लेना और आपके पास सारे प्रॉम्प्ट आ जाएंगे अगर किसी को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक के अंदर इशू आता है वहां से नहीं आप डाउनलोड कर सकते तो आपने कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है कम्युनिटी के अंदर भी मैं ये प्रॉम्प्स वाली फाइल जो है वो शेयर कर दूंगा अब इससे ज़्यादा आसान मैं आप लोगों के लिए नहीं कर सकता मैंने सारे प्रॉम्स आपको बना के दे दिए हैं ठीक है आपके लिए सब कुछ रेडी कर दिया बहुत आसान कर दिया अब आप लोगों का काम इतना है कि आपने वीडियोस बना के अपलोडिंग शुरू करनी है ताकि आप लोगों के व्यूज़ आना शुरू करें और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस वाली वीडियोस के ऊपर आपके व्यूज़ लाजमी आएंगे आप लोगों ने एक ख्याल रखना है कि अगर टिकटॉक पे कोई डालेगा तो टिकटॉक का न्यू अकाउंट बनाए न्यू अकाउंट बना के उस पर अपलोडिंग करें उस पर व्यूज अच्छे आएंगे और इसी तरह अगर आपने यूट्यूब पे डालनी है तो यूट्यूब का भी नया अकाउंट बनाए उस पर डालें उस पर आपके अच्छे व्यूज आएंगे जब आप वीडियोज बना लेंगे सिंपली आपने इनको डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद आप चार पाँच वीडियोज बनाएं और उनको कैपकाट में जाके एक साथ जोड़ लें जोड़ने के बाद आप उसको सिंपल एक्सपोर्ट करके अपने जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म है चाहे टिकटॉक है चाहे यूट्यूब है चाहे इंस्टाग्राम है चाहे फेसबुक है जहाँ पे भी अपलोड करना चाहते हैं आप वहाँ पे अपलोड कर दें ठीक है सो so, आज की वीडियो इतनी ही थी बेसिकली आपको ये सिखाना था क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी और काफ़ी सारे लोगों को गूगल फ्लो का का मसला आ रहा था व्यव थ्री नहीं उनको यूज़ करना आ रहा था सो so, वो भी मैंने इसके अंदर कवर कर दिया गाइड कर दिया फिर भी किसी को कोई इशू आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप कम्यूनिटी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे और आपको जो भी इशू आएगा वो सॉल्व कर दिया जाएगा